तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कोरोना वायरस फोटो एडिटिंग, जो कि अभी वायरल कंसेप्ट है और ये वायरस बहुत डेंजर वायरस है, तो इससे बच के रहें गाइस। और आप भी ऐसी फ़ोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं या फिर अपनी फ़ोटो को ऐसी फ़ोटो को एडिट करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी हमारे चैनल में नए हो, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और पास बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर फॉलो कर लेना। और हाँ गाइस, मैं जो भी बैकग्राउंड PNG का यूज़ करूँगा उन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना आप। और वीडियो को एक लाइक कर देना प्लीज़। चलिए शुरू करते, तो फिर यहाँ से अपना पिक्सआर्ट ओपन कर लेंगे एंड मैं ये वाले बैकग्राउंड दे दूंगा एंड यहाँ से ऐड कर लूँगा अपनी मॉडल को। यहाँ से डन कर लूँगा एंड यहाँ पे जाऊँगा कुछ इतना यहाँ से इसके कलर को ग्रीन कर देंगे एंड यहाँ पे जाएंगे एंड स्क्रीन कर लेंगे। कुछ यहाँ से इतना कुछ इरेज कर लेना है एंड यहाँ से एक और बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे, यहाँ से कुछ इतना एंड यहाँ एडजस्ट पे जाके कुछ इतना कर लेना है एंड अपने हिसाब से कर लेना, मैं अपने हिसाब से कर ले रहा हूँ। यहाँ से कुछ इतना एंड ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन कर लेना से कुछ इतना कर लेना एंड यहाँ से कर लेते हैं हम डन। यहाँ से एक हैंड PNG दे दूंगा, इसको भी ऐड कर लेना कुछ, इसको भी स्क्रीन जाकर डार्क कैन कर देना है कुछ इतना जितना कर देना है। यहाँ से कर लेना हमको डन। यहाँ बस वो हो गया गाइस, फिर भी रहने दो। यहाँ से कर लेंगे हम ऐड फोटो कर लेंगे, यहाँ से वाले PNG को, यहाँ से इसको अपनी जगह से एडजस्ट कर लेंगे, फिर यहाँ एडजस्ट में जाएंगे देन अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे देन कॉन्ट्रास्ट को जितना। ब्राइटनेस को कुछ कम कर लेना है, यहाँ से कुछ डन कर लेना है एंड यहाँ क्रॉप टूल पे आना है, डिप्रेशन पे जाना है एंड इतना कुछ करना है यहाँ से एंड इतना कुछ कर लेना है। सॉरी, इधर को साइज को थोड़ा छोटा कर लेंगे एंड यहाँ से कुछ इतना करना है एंड इतना कुछ करना है एंड यहाँ से पूरा इसको भी थोड़ा सा कर लेंगे अपने हिसाब से कर देना, अपने हिसाब से कर लेता हूँ।
से तरीके में यहाँ से 100 करेंगे एंड इसको सबसे 0 करेंगे एंड अपने हिसाब से कर लेंगे इसको सेट। मैं इधर ही कर देता हूँ तो कुछ इतना ही मैं सेट कर लेता हूँ, यहाँ से रख देता हूँ। एंड मैं बैकग्राउंड PNG बनाया हूँ, आप इसको डाउनलोड कर लेना गाइस मस्त PNG से। एंड यहाँ ब्लेंडिंग पे जाके स्क्रीन कर लेना इसको भी, एंड यहाँ से डन कर लेना। एंड मैं PNG दे दूंगा उसको ऐड कर लेना, यहाँ से टेक्स्ट PNG को ऐड कर लेना। एंड यहाँ से डन करना एंड अपने लाइट रूम पे चलते हैं, यहाँ से सेव कर लेते हैं फोटो को, पहले सेव इमेज कर लेते हैं ड्रॉ टूल पे जाके। यहाँ से फोटो हमारी सेव हो चुकी है तो यहाँ से अपनी लाइट रूम खोलेंगे, यहाँ से अपने लाइट रूम खोल चुके हैं तो यहाँ से ऐड कर लेते हैं अपनी फोटो को। यहाँ से ऑटो कर लेंगे एंड यहाँ पे जाएंगे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे कुछ इतना इतना, ब्लैक्स को कम करेंगे, व्हाइट्स को कुछ इतना एंड शेडो को बढ़ा लेंगे थोड़ा सा एंड हाइलाइट्स को कम कर लेंगे एंड कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे। एंड यहाँ मिक्स पे आएंगे एंड ऑरेंज पे जाके ल्यूमिनेंस को बढ़ा देंगे थोड़ी सी। एंड यहाँ ग्रीन पे जाएंगे पहले, येलो पे जाके कुछ इतना 100 कर लेना है, ये वाली ग्रीन पे जाएंगे इसको 100 कर लेंगे एंड इसको भी कुछ इतना 100 कर लेंगे। एंड ब्लू पे जाएंगे, ब्लू पे भी कुछ इतना कर लेंगे एंड ये वाले ब्लू की ह्यू को इतने कुछ रखना है, इसकी साफ सेचुरेशन को कुछ इतने करना है एंड ह्यू को भी 100 कर देना है। एंड ये वाली की भी सेचुरेशन को 100 करना है, ह्यू को भी यहाँ ब्लू में आना है, ये वाली ब्लू पे इसका भी सेचुरेशन को इतना कुछ करना है एंड ह्यू को भी। एंड यहाँ डन करेंगे, ऑल टूल पे आएंगे एंड टेक्सचर को बढ़ा लेंगे थोड़ी सी एंड इसकी क्लियरिटी को बढ़ा लेंगे थोड़ी सी एंड आर्च को बढ़ाएंगे एंड विग्नेट को थोड़ा सा कम कर देंगे। एंड ईयर टूल पाएंगे, शार्पनेस को बढ़ा लेंगे एंड नॉइज़ रेडियस को बढ़ा लेंगे। इस पे आएंगे एंड इसको ऑन कर लेंगे और यहाँ पे ये वाले टूल पाएंगे, एक्सपोज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड हमारी फोटो पिक्सआर्ट में कुछ ऐसी थी, लाइट रूम में कुछ ऐसी हो चुकी है तो मस्त कलर एडिटिंग किए हैं। यहाँ से सेव कर लेते फ़ोटो को, सेव टू ड्राइव में, HD क्वालिटी में फ़ोटो सेव होगी, हो चुकी फ़ोटो सेव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।